बांके बिहारी मंदिर पट्टाबरौरी में हनुमान जी की 25 फीट की मूर्ति की हुई स्थापना। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। यूपी की धरा पर राधा रानी व भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए वृंदावन धाम एक विख्यात तीर्थ स्थल है। वर्ष भर यहां भक्तों की भीड़ रहती है। अब प्रदेश के लोग जिला सोलन में ही बांके बिहारी की भक्ति का आनंद उठा सकेंगे। विदित रहे कि हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के पट्टाबरौरी में बांके बिहारी जी का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है व भव्य मंदिर में बांके बिहारी जी की भव्य मूर्ति जल्द ही स्थापित होगी। सोमवार को बांके बिहारी विश्व मंगलम सेवा धाम के संस्थापक व ख्याति प्राप्त कथावाचक हरि जी महाराज के कर कमलों से मंदिर की तीसरी मंजिल पर 25 फीट ऊंची हनुमान जी की भव्य प्रतिमा पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई। हरि जी महाराज ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान जी की भव्य मूर्ति सहित नव निर्मित मंदिर में काशी विश्वनाथ के कलश, जगन्नाथपुरी का चक्र व माँ बगलामुखी का त्रिशूल भी मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से स्थापित किया गया। हरि जी ने बताया कि मंदिर में बांके बिहारी सहित भोले शंकर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम व माँ दुर्गा की भव्य मूर्तियां भी जो कि बनवाई जा रही है तैयार होकर जल्द ही मंदिर में स्थापित होगी। हरि जी ने बताया कि यह बांके बिहारी जी का प्रदेश में पहला मंदिर होगा जहां भक्तजन वृंदावन की तरह ही कृष्ण व राधा रानी की भक्ति का आनंद ले सकेंगे। हनुमान जी की मूर्ति स्थापना में हरि जी महाराज सहित मूर्तिकार रामसेवक गुप्ता, मनाली स्वीट्स के मालिक सुरेंद्र सेन, आचार्य देवीचंद, आचार्य सुनील शर्मा, डीडी कश्यप सहित स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। सामने कौन है जरा आ रहा सामने होना ये चली थी ये होनी खड़ी और क्या होनी अच्छा देख मुंह ठीक करना मुंह होना ठीक अरे इतनी क्यों ना ये तीर चकनार कर दिया रहा श्री राधा कृष्ण आगे चकनार कर होना चाहिए था आगे चकनार करो उनसे पढ़ता कर रहा है मुंह ती लोग कह जान लगे पीछे देख रही थी पानी नहीं आ रहा। श्री राम जी का मंदिर है ये, श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर।
अच्छी नहीं रही मेरी फिल्म करे तो बढ़िया बनी थी नहीं क्या ये धीरे धीरे डर गई ना ऊपर खड़ी हो गई बिल्डिंग हो गई तब नहीं है कुछ बिल्डिंग हो जाती है एकदम लोड का ही नहीं है कोई ना हीट लगा दो ना रुक जा खड़ी करके लगा दो आप उस कोने से लो बढ़िया आएगा फोटो एकदम वहां से जूम करके ले लो हनुमान जी का फेस बढ़िया आएगा यहाँ आएगी नहीं किसी क्लियर फेस आएगा बहुत ऊंचा आठ दस नहीं नहीं यहाँ से लाइट अगर देगा और हाँ तो ये तो आधे तक की बात है ऊपर तक आएगी लाइट आएगी इस कोने से उस कोने आधे फोकस लाइट जो की है यहाँ से नहीं जाएगा यहाँ से कहाँ जाना है ये तो नजदीक हो जाएगा लाइट वैसे गुरु जी वहाँ लेड मार दे आवाज ना वो कोने में इस कोने से आएगा इस सेंटर से वहाँ से भी लाइट और उस कोने दोनों का कोने से अपने छत से लगा ना वहाँ से लाइट जाएगा तब फेस ये आसपास से फेस उधर को रहेगा कारीगर सब आने चाहिए हमारे बेल्ट में तो कोई टाइम लगेगा टाइम तो लगना जो लगना नहीं बेल्टिंग में अरे ये थाले फोनी बेल्टिंग कौन जी दे तू सर है क्या बोलना भैया क्या बताऊँ मैं तुम्हें।